नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कोसी नदी का जल स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इसके कारण बिहार के कोसी सीमांचल के जिलों में बाढ़ का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। सुपौल समेत कई जिलों में पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रात भर से ही तटबंधों की कड़ी निगरानी बढ़ा दी है। शनिवार की सुबह हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कोसी बराज के सभी फाटक खोलने की नौबत आ गई। वीरपुर स्थित कोसी बराज के 19 फाटक शुक्रवार की रात 12 बजे खोले गए थे और शनिवार सुबह तक सभी 56 फाटक खोल दिए गए। इस दौरान कोसी से 4 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी का डिस्चार्ज किया गया था और दोपहर तक डिस्चार्ज बढ़कर 7 लाख क्यूसेक तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी। ये तेजी से बढ़ता जलस्तर बाढ़ की भयावह स्थिति का संकेत दे रहा है। सुपौल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने तटबंधों के भीतर रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने का निर्देश दिया है। इसके अलावा तटबंध के अंदर स्थित सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने खुद इस बात की पुष्टि भी की है कि तटबंध के अंदर बसे गांव और स्कूलों को खाली करवाया जा रहा है और लगातार माइकिंग के जरिए लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश ने बिहार के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। नेपाल के जल स्रोतों से निकलने वाली नदियों में जल स्तर तेजी से बढ़ता है जो बिहार की नदियों को भी प्रभावित करता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि हर साल ये नदी नेपाल से बड़ी मात्रा में पानी लेकर बिहार के सीमांचल और कोसी क्षेत्र में बाढ़ का संकट पैदा करती है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने शुक्रवार को ही कोसी सीमांचल के जिलों और भागलपुर के जिलाधिकारियों को स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अलर्ट रहने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार रात से ही तटबंधों की चौकसी और निगरानी बढ़ा दी गई थी। सुपौल, मधेपुरा, अररिया और कटिहार जैसे जिलों में बाढ़ की आशंका के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कोसी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति और भी ज्यादा विकराल हो सकती है जिससे हजारों लोगों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। तटबंधों के टूटने या कमजोर होने की आशंका भी जताई जा रही है जो इस संकट को और ज्यादा गंभीर बना सकती है। कोसी के तटबंधों के अंदर बसे गाँव में बाढ़ का पानी घुसने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। सरकार और प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्यों की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन स्थिति लगातार बदल रही है और चुनौतीपूर्ण भी बन गई है। स्थानीय लोग प्रशासन की अपील पर अमल कर रहे हैं और कई परिवार पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके हैं। कोसी नदी का बढ़ता जलस्तर और नेपाल में हो रही भारी बारिश बिहार के कोसी सीमांचल और आसपास के इलाकों में गंभीर संकट का कारण बन रही है। प्रशासन की तत्परता और लोगों की सावधानी ही इस आपदा के संभावित खतरों को कम कर सकती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।